एबीपीएस न्यूज। एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद मेरठ के ब्लॉक जानी खुर्द में स्थित अफजलपुर पापटी गांव पड़ा। लगभग 5000 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी 4 किलोमीटर है। वर्तमान में गांव के प्रधान रामेश्वरी देवी हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। लगभग 2500 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। वहीं बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूल में 160 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो गांव के प्रधान द्वारा गांव में पेयजल आपूर्ति के लिए 30 हैंडपंप लगवाए गए हैं। वहीं 10 और हैंडपंप लगवाने की सरकार से दरकार है। वहीं विद्युत आपूर्ति के लिए 200 विद्युत पोल व 8 विद्युत ट्रांसफार्मर भी लगवाए गए हैं। इसी के साथ ही गांव में 10 सीसी टाइल्स रोड, लगभग 200 शौचालय, 150 मीटर नाला, लोहिया आवास का निर्माण भी कराया गया है। वहीं पथ प्रकाश व्यवस्था के लिए गांव में 50 सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। वहीं एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र है जिसमें डॉक्टर के न बैठने के कारण स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं एवं गांव की ग्राम पंचायत की जमीन पर किसान खेती कर रहे हैं। वहीं प्रधान प्रतिनिधि ने राज्य व केंद्र सरकार से मांग की है कि गांव में शमशान घाट, कब्रिस्तान तथा पानी निकासी के लिए नाले का निर्माण कराया जाए। मैं ग्राम प्रधान अफजलपुर पावटी से प्रधान है। मेरी मम्मी है रामेश्वरी देवी, मैं उनका पुत्र हूँ। प्रवीण गुर्जर नाम है। जानी ब्लॉक है हमारा, जानी ब्लॉक और जिला मेरठ है। हमारे गांव में ज़्यादातर अधिकतर गांव हमारा संपूर्ण गांव की तरफ, मतलब बिल्कुल एक समग्र ग्राम की तरफ अग्रसर है। गांव में अधिकतर समस्या जो है वो हमने निपटा ली है। गांव में आरसीसी की सड़क करवा दी है, इंटरलॉक लगवाई है, सौर ऊर्जा की लाइट लगवाई है और गांव के जो हमारा प्राइमरी स्कूल है उसकी बहुत बढ़िया व्यवस्था करी है। वहाँ पर उसका चार दीवारी करा के, इंटरलॉकिंग करा के, बाउंड्री करा के शौचालय बहुत अच्छे बनाए गांव में, यानी 220 शौचालय बनवाए हैं। गांव जूनियर स्कूल में शौचालय बनाए हैं, लड़कियों का अलग है, लड़कों का अलग है। गांव की अधिकतर जो समस्या है वो ज़्यादातर समस्या ख़त्म हो चुकी है। एक दो समस्या है, जैसे हमारे तालाब की समस्या है बहुत भयंकर तरीके से। हमारे गाँव में निकासी की व्यवस्था नहीं है पानी की। तालाब का अतिक्रमण ज़्यादा हो रहा है, तालाब चारों तरफ से गिर चुका है तालाब का मामला। और गांव का शमशान में भी, शमशान भी अभी परेशानी है। जैसे हमारी गवर्नमेंट बीजेपी जो सरकार चल रही है, हमारी योगी जी की सरकार चल रही है, उन्होंने बोला था कि शमशान का भी वो कराएंगे, तो अभी तक ऐसी कोई योजना गाँव में अभी नहीं आई है। ना शमशान बन रहे हैं, ना उसका कुछ फ़ायदा मिल पा रहा है। मैंने लिख के दे रखा है डीएम को भी, कमिश्नर को भी और मुख्यमंत्री जी को भी लिख के दिया है, तो अभी तक उससे कोई जवाब मिला नहीं है। एक गांव में टंकी की, पानी की टंकी की व्यवस्था, पानी की भी समस्या है। गांव में सबसे ज़्यादा समस्या है, गांव में समरसेबल की हो रही है जिससे पानी का इतना दोहन हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे गाँव में पानी की टंकी लग जाए जिससे समरसेबल सब कंट्रोल हो जाए। गाँव में अधिकतर हैंडपम्प लगे हुए हैं, आरसीसी वगैरह सब बढ़िया है गाँव में, एकदम संपूर्ण गाँव है। हमारे मेरठ जिले में दो ही बीटीसी और बीएड बच्चों को जो प्रशिक्षण केंद्र होता है, दो पास हुई थी, एक छोटा मवाना में, एक हमारे गांव में, जिसमें यानी केंद्र सरकार की तरफ से भी कुछ पैसा आता है। 4.5 करोड़ रुपए में ये बाइट हमारे गांव में पास हुई थी अफजलपुर पार्टी में। तो जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है इसका काम अधर्म रुका। इसमें पहली किस्त आके 30-40 लाख रुपए की पहली किस्त लग के इसका काम ही नहीं हो पा रहा। इसकी वजह से बड़ी समस्या हो रही है स्कूल में, सारा मामला इसकी वजह से अर्थव्यवस्था हुआ पड़ा है। कहीं कुछ पड़ा, कहीं कुछ पड़ा। तो मेरा गवर्नमेंट से, अपने मुख्यमंत्री जी से, अपने माननीय विधायक जी से, इनसे सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारी इस पाइप का जल्द से जल्द पैसा रिलीज करा के इसको बनावे, जिससे हमारे गाँव में और तरक्की होवे और बाहर से बच्चे हैं बीटीसी का प्रशिक्षण केंद्र प्रशिक्षण लेने आएंगे। हमारे घर में हमें लाइट की परेशानी थी और हमारे ग्राम प्रधान ने हमको ये सौर ऊर्जा की लाइट लगवाई है।